वेलकम बैक टू चैनल। आप देख रहे हैं हैप्पी वाले बस। सो आज है 15 जून थर्सडे और आज हम लोग इंडिया जा रहे हैं। रात को हमारा फ्लाइट है और अभी हम लोग 7 या फिर 6 बजे निकलने वाले हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। और साथ दाहिल तो इतने एक्साइटेड हैं, वो लोग रेडी बैठे हैं, पर बैठ बैठ के उनका थोड़ा एक्साइटमेंट कम हो चुका है, पर वो भी अभी भी एक्साइटेड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक रिंग लिया है, मेरे दोस्तों ने मुझे रिंग गिफ्ट किया है, ये दो भी। और यहाँ पर मैंने एक वॉच लिया है क्योंकि इंडिया जा रहे हैं तो यू नो पूरा रेडी होके जाना पड़ता है। और फिर आप देख सकते हैं मैं तो रेडी हूँ, वो लोग भी रेडी हैं वहाँ पर। और फिर ना अभी हम लोग ना, मैं आपको बता देता हूँ हमारा फ्लाइट कहाँ से कहाँ है। मैं एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा फास्ट फास्ट बात कर रहा हूँ। और फिर दमाम टू जिद्दा और जिद्दा टू बैंगलोर, और जहाँ से जो दमाम से जो बैंगलोर तक जर्नी होगा वो मैं इस व्लॉग में कवर करूँगा और फिर बाकी का अगले व्लॉग में। और बैंगलोर जाने के बाद हम लोग वहाँ पर 4 दिन ना ये करने वाले, घूमने वाले, फुल इन्जॉय करने वाले, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग नहीं कर पाए थे क्योंकि लास्ट टाइम मेरे मामा का शादी था तो हम लोग उसमें बिजी थे। और गैस आप बताओ आपको मेरा हेयर कट तो गैस आप बताओ आपको मेरा हेयर कट कैसे लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कल ही जाके मैंने हेयर कट कराया स्पेशली इंडिया जाने के लिए, क्योंकि इंडिया जाने से पहले मैंने 1 महीने पहले कट करवाया था, पर फिर थोड़े थोड़े मतलब थोड़े थोड़े बाल आ गए थे तो फिर से मैंने जाके कट कर लिया। 1 महीने कट कराया, 1 महीने पहले कट कराया, भाई क्या फ़ायदा होगा, तो एकदम फ्रेश कट। तो नो 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 मुझे पता है कुछ टाइम ना मैं एक एक बार ना मैं क्रिंज हरकतें कर लेता हूँ, पर थोड़ा एडजस्ट कर लो भाई। वो भी हम लोग हमारे लगेज हैं यहाँ पर ट्रॉली में रख रहे हैं, मेरे मॉम मेरा मेरे डैड और मेरे मामा। और एक्साइटेड कितना गाइस, आई एम एक्साइटेड टू बट आई एम रियली सैड टू बिकॉज़ आई लेफ्ट, हम लोगों ने अपने मामा को वापस छोड़ के आ गए। और अपना रोया ना इसने, बहुत रोया, इसने भी रोया गाइस, बहुत रोया, एक बार ये इतना रो रहा था, इसने मास्क पहन लिया, सर्दी है ना, ज्यादा झूठे सर्दी नहीं थी, इसे सर्दी बिल्कुल नहीं था, इसने बस रो रहा था बोल के इसने ये नहीं पता। तो गाइस इधर ना हम लोग हमारा लगेज रखा है और अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर ट्रॉली आ चुका है और लगेज के साथ ट्रॉली रख दिया, फिर हम लोग जा रहे हैं। अंदर जाने के बाद लगेज सब अंदर डालने के बाद हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अलबे खरीद लें थोड़ा खाने के लिए। तो गाइस यहाँ से उतनी लंबी लाइन है भाई, बहुत लंबी लाइन है और हम लोग अभी सबसे लास्ट में खड़े हैं, तो अभी हम लोग यहाँ पर आके ऐसे बैठने वाले हैं। तो गाइस हम लोग ना यहाँ पर अभी बैठे हैं और डैड आएंगे उधर लाइन को पकड़ने के लिए, मतलब लाइन काउंटर के पास। तो हमारा जो खड़े रहने का प्रॉब्लम था वो तो अभी फिक्स हो गया, अभी हम लोग आराम से बैठ सकते हैं डैड की वजह से। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं आ ही लगता है गेम के अंदर, मेरे पास कोई भी डिवाइस नहीं है सर। अगले साल सब एक तो मेरा फ़ोन हमने फिक्स कर दिया था और साथ में फिर से तोड़ दिया उसका डिस्प्ले, और बाद में टैब घूम गया भाई आने से पहले।
तो गाइस जब तक हम लोग वेट कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ का थोड़ा एयरपोर्ट के अंदर का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पर बीच पे एक फाउंटेन भी है। तो गाइस अभी ना हम लोग अलबेक खा रहे थे, खा के हो गया। और हम लोग हमारी डैड, ये हमारे मेरे डैड का है, बाकी वो अभी भी वहाँ पर ही काउंटर में। भाई बहुत बहुत लंबा लाइन है, तो उन्होंने बोला कि आप जाके अलबेक खा लो और मैं बाद में आ जाऊँगा खाने के लिए। तो अभी उनके लिए यहाँ पर बाकी है। और अलबेक भाई किधर भी खाओ, कहाँ पर भी खाओ, पर बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी रहता है। तो गाइज एज एक्सपेक्टेड हमारा जो फ्लाइट जो है वो 1 आवर डिले हो गया, 1 आवर 29 मिनट्स, मतलब 1 आवर हाफ आवर। और अभी हमारा, अभी हम लोग यहाँ पर वेटिंग वेट कर रहे हैं हमारे फ्लाइट का। एक्चुअली मैंने अभी, मैं आपको बताया था ना, मेरे फादर मेरे पापा का जो अलबेक था बाकी, वो अभी वो जाके वो खा रहे हैं और हम लोग यहाँ पर रुके। उन्होंने बोला कि वो ऊपर जाके खा लेंगे, तुम लोग यहाँ नीचे ही रुको, फिर हमें ऊपर जाना पड़ेगा फिर नीचे। तो उन्होंने बोला तुम लोग यहाँ नीचे ही रुको। गाइस मैं यहाँ पर ना, मेरा एक्चुअली फ़ोन और टैब तो नहीं है मेरे पास, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, साथ अपने फ़ोन में बैठा है या अपने टैब में बैठा है। और मेरे साथ हो चुका है स्कैम। तो अगर अभी हमने वहाँ पर बोर्डिंग का साइन कर दिया, और जिस जब तक हम लोग वहाँ से पास करते तब तक तो डोर क्लोज ही होने पड़ता। और अभी मैं भी ज़्यादा एक्साइटेड, यहाँ पर कोई भी नहीं, आहिल और साथ तो ये दुख में है कि वो हमारे मामा को छोड़ दिया, पर मैं दुख में हूँ थोड़ा, और एक्साइटेड भी हूँ बहुत। क्यों इतना एक्साइटेड हो? ना मैं जाती हूँ मेरे नाना नानी जी अंकल भाई अंकल जी, इन सब से। एक्चुअली ना मैं मेरे नाना को ना बसअब्बा बुलाता हूँ, पता नहीं बचपन से एक मुझे आदत है। गाइस स्कैनिंग तो हो चुका है, अभी हम लोग हमारे डिपार्चर की तरफ जो आए हैं, हमारे फ्लाइट का जो है वहाँ पर जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये हमारा फ्लाइट है। जब हम लोग हमारे गेट नंबर पे आ चुके हैं, ये हमारा 115, वी आर गेटिंग क्लोज गाइस, हम लोग जीते की फ्लाइट में बैठने वाले। तो गाइस आपको जैसे जैसे आपको पता है हमारे वेटिंग गेट नंबर है 15 और 115, सॉरी। ऐसा वेट कर रहे हैं अभी बैठ के, अभी आई थिंक 1 आवर 30 मिनट्स तो डिले हो गया था, अभी पता नहीं कितना मिनट बाकी है। अभी जो है गाइस गेट ओपन हो चुका है और सब लोग अभी लाइन में खड़े हो रहे हैं। हम लोग बहुत मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। नहीं क्या बॉटल फ्लिप कर रहे हो साथ? हाँ। दिखा, मैं करके दिखाता हूँ। कैमरा पकड़ो, मैं तो होना मुश्किल है, ऐसे गिर रहा था बार बार। ओके मैं करता हूँ। इस
you want to learn how to do butter flip, please contact me. Only 45k per minute. पता है बाद में तुम लोग भागने वाले हो मेरे स्किल्स देख के, तो इसलिए पहले ले लेता हूँ मैं. क्या यार तुम भी ना, ये चीट कोड नहीं यूज कर सकते. ए पानी मत, देखो अभी भी हम डैडी खड़े हैं यहाँ पर, मेरे डैड. और अभी तो हाँ अभी हम लोग जाने वाले हैं, लेट्स गो बॉयज. हमारा जो है डोमेस्टिक फ्लाइट है, डोमेस्टिक, हाँ डोमेस्टिक फ्लाइट है, तो बहुत क्लोज हो रहे हैं हम लोग प्लेन में. एक बार अगर प्लेन में बैठ गए तो फिर इंशाल्लाह सऊदी इंडिया डायरेक्ट. गाइस उन्होंने बोला कि जोन वाइज कर रहे हैं ये लोग, तो जोन वन पहले जाएगा, जोन टू बाद में जाएगा, और हमारा है जोन थ्री, तो इसके बाद हम लोग जाने वाले. अभी जोन टू चल रहा है, जोन आ गया गाइस, जोन थ्री. तो गाइस अब हम लोग फ्लाइट के अंदर बैठने वाले हैं और एकदम फुल एक्साइटेड हूँ मैं. आई भी देखो फुल एक्साइटेड है, बंदे का दुख पूरा चले गया अभी बहुत. लेट्स गो, हमारा बोर्डिंग हो गया सब कुछ. पिछली बार मैं यहाँ पे गिरा था. हाँ आपको याद होगा लास्ट टाइम आई यहाँ पर गिरा था जी. अम्मी सामने देखो, साथ तो हम सबसे पहले पहुँच गए वहाँ पर, वरना हमें वेट ही करने नहीं दे रहा. Let's go guys. Flight देखो, आप देख सकते हैं इधर से भी. ये हमारे एयर इंडिया का, इसका खाली पंख. Too much excited guys. अरे मेरा लेस भी छूट गया है, मैं अंदर जाके लेस बांध देता हूँ. फ्लाइट के अंदर आ चुके हैं गाइस. गाइस हम लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ. ये देखिए, सो गुड ब्रो, सो गुड. बाय बाय बाय, लव इट. आप बहुत एक्साइटेड. अभी हम लोग यहाँ से जीता जाने वाले हैं, तो अभी फ्लाइट में थोड़ा आराम कर लेते हैं भाई. वैसे एक घंटा तुम लोग आराम ही कर लेते वहाँ पर वेटिंग एरिया में. तो मैं ना अकेले बैठा हूँ, मेरे इधर है और साथ मुझे बैठना पड़ा था. हाँ क्या करें, वहाँ पर चार ही बंदे बैठ सकते हैं. गाइस यहाँ पर ना मैं ब्लैक कैट मूवी देख रहा हूँ. तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर लैंड होने वाले हैं जिद्दा पे. तो गैस ये फ्लाइट का सफ़र जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब हम लोग जाने वाले हैं बैंगलोर वाली फ्लाइट में. तो हम लोग इधर पहुँच चुके हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ. तो आगे चलते हैं. एक घंटे से हमारी नेक्स्ट फ्लाइट है, फ्लाइट है बहुत स्पीड में. तो आई थिंक मैं ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पाऊँगा गाइज. हम लोग ना बहुत अर्जेंट में और इस पे भी हम लोग चल रहे हैं. ओ भाई अभी गिर, अभी मैं गिरने वाला था. लेस भी सही नहीं है मेरा, लेस पहले सही कर लेता. बैंगलोर के लिए फ्लाइट ट्रांसफर के लिए हम लोग आ चुके हैं. हम लोग ऑलरेडी इधर तो अराइव हो चुके हैं. इधर तो साल भी भाई बहुत तेजी से भागते हैं. तो गैस अभी हमें पता चला कि हमारा जो फ्लाइट है वो डिले हो चुका है. और मतलब डिले नहीं, हम जो पहले डिले हुए थे 1 आवर 20 मिनट्स, उसके कारण हमारा जो यहाँ का कनेक्टिंग फ्लाइट था वो अभी जा चुका है. मेरे को खांसी आ रहा है तो वो अभी डिले, मतलब वो अभी जा चुका है. और ये लोग बोल रहे हैं हम लोगों को यहाँ पर 2 डेज वेट करना पड़ेगा और फिर अगला फ्लाइट आएगा सऊदी एयरलाइन का. फिर अभी वो लोग तो यार सब लोग वहाँ पर खड़े हैं, उनसे बात कर रहे हैं. तो यही प्रॉब्लम है. अभी देखो 48 आवर्स हम लोग वेट नहीं कर सकते, तो कोई और फ्लाइट है क्या वो लोग चेक कर रहे हैं. पर वो बोल रहे हैं ऐसा कोई सलूशन है ही नहीं, तो मैं 2 डेज वेट ही करना पड़ेगा.
फिर आएगा बैंगलोर का सऊदी एयरलाइन। सो हाँ वही प्रॉब्लम है भाई, बंदा डिप्रेस हो गया। हमें लगा था हम लोग कल सब इंडिया में गए और अभी बोल रहे हैं 2 दिन लगेगा, है ना सर? अब गए वो, इससे चलूँगा प्लेन फिर से आएगा, कहाँ जाना सर? और क्या करोगे फिर? जो वहाँ पे बात कर रहे हैं ना, मतलब वो ब्लैक सूट में, वो तोड़ दूंगा। क्या करोगे? पिल दूंगा। ये बंदा क्या है यार, बंदा गुंडा बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। तुम असर का ये बहुत मर से ये पर मत डालोगे। यहाँ पर प्लेन है, बाकी सब लोग तो चुके हैं, बस हम लोग ही बैठे हैं। जो ट्रांसफर फ्लाइट है ना हमारा बेंगलुरु का, वही बाकी सब हम बेफिजूल कैसे भागते हुए आए कि लेट हो जाएगा लेट हो जाएगा। यहाँ भी बोल रहे हैं कि हमारे पास 48 आवर्स हमें रुकना पड़ेगा। हम लोग देखेंगे अगला सोल्यूशन। उन्होंने बोला है तो तुम लोग ही बोलो, ये हमारे पास तो बस यही सोल्यूशन है बोल रहा है ना, यहाँ पे नहीं। वो लोग बोल रहे हैं कि एक होटल देंगे हमें। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर जिद्दा के इसमें हैं और उन्होंने बोला कि हम लोग तुम लोगों को इंडियन एयरलाइन से भेज देंगे, तो फिर भी हम लोगों को 1 दिन डिले हो ही जाएगा। जब जो हमें आज पहुँचना था वो हम लोग कल 5 बजे पहुँचने वाले हैं, और अब शाम में एक एक्वेरियम भी देख सकते हैं। अगले टन कब का ये मर गया पर सारे लोगों को एक मेल मिला जिसमें ना बड़े बड़े दांता के निशान होते और एक जगह उस पे ये रहता और पूंछ रहता ना। अच्छा है क्या रहे में ना गाइस, बहुत अच्छा है क्या रहे ऊपर से नीचे पूरा है लेने पूरा। हमें एक तो अच्छे से एयरपोर्ट भी देखने नहीं मिल रहा और एक कैमरा पता नहीं यार थोड़ा क्वालिटी खराब है, अभी साफ करने का भी टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं इतना तो टाइम है यार, कैमरा तो साफ कर सकता हूँ, रुको कैमरा साफ करने के बाद मिलता हूँ। ये देखो गाइस आरजीबी इन एयरपोर्ट, तो गाइस आज की वीडियो के बस इतना है और क्योंकि मैं बहुत थक चुका, मैंने सोचा बैंगलोर तक शूट करूंगा पर भाई बहुत लेट हो गया ना और मैं सोया भी नहीं यार पूरा फ्लाइट, ब्लैक एंड मूवी जो देख रहा था वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो हाँ फिर अभी मैं आपको ना अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक ले लगा और मैं हूँ आसान और अगली वीडियो में देखना हमारे साथ आगे क्या होता है, सस्पेंस रखा जाता है।